क्या लगता है विनोद जायसवाल जी को कि शराबबंदी बिहार में खत्म होना चाहिए और शराब खुल जाना चाहिए? एकदम स्ट्रेट वे में जवाब दीजिए सर। एकदम खुलना चाहिए। देखिए नव जीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ ICU, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी बिंदुसार सीवान बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। राजद MLC का बड़ा बयान आया है, बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। दरअसल पूरा मामला, सिवान जिले के कार्यक्रम में राजद MLC विनोद जायसवाल पहुंचे हुए थे, तभी मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने शराबबंदी पर बड़ा बयान देते हुए शराबबंदी तत्काल खत्म करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब से शराबबंदी लागू की गई है तब से लेकर आज तक शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। यही नहीं, हजारों करोड़ रुपयों बिहार सरकार को इस शराबबंदी की वजह से राजस्व का घाटा हो रहा है, इसलिए शराबबंदी को तत्काल खत्म कर बिहार में शराब खोल देना चाहिए। इस मांग से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि शराबबंदी पर कुछ माह पहले हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी बयान दे चुके हैं और खोलने की मांग कर चुके हैं। उनके अलावा भी कई नेताओं के द्वारा कई बार शराबबंदी को खत्म करने की मांग भी की जा चुकी है। अब राजद MLC ने भी तत्काल खत्म करने की मांग करते हुए शराबबंदी को खत्म कर बिहार के हित से जोड़कर देख रहे हैं और खोलने की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक बात भी कही है कि नीतीश कुमार के जीत की वजह से शराबबंदी अभी तक लागू है। सिवान में MLC विनोद जायसवाल ने शराबबंदी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए शराबबंदी तत्काल खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के हित में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बिहार का कुल राजस्व 53,000 करोड़ रुपए है और 20,000 करोड़ के नुकसान सिर्फ शराबबंदी से हो रहा है। बिहार एक गरीब राज्य है, इतना बड़ा झटका नहीं सह सकता। उन्होंने कहा कि UP और राजस्थान का बराबरी बिहार नहीं कर सकता, क्योंकि उन सरकारों का आय का स्रोत जितना एक विभाग से है उतना पूरे बिहार का स्रोत है। यही नहीं, जब उनसे हमारी टीम ने पूछा कि अभी कुछ माह पहले नीतीश कुमार के साथ राज्य सरकार में चल रही थी तब आपने ये मांग क्यों नहीं उठाई, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि विनोद जायसवाल ने कहा कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जिद्दी हैं, उनके जिद की वजह से अभी तक शराबबंदी नहीं खत्म हुई, जिसमें हजारों गरीब तबके के लोग जेलों में बंद हैं और बिहार सरकार को भारी राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, इसीलिए शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। आइए सुनते हैं विनोद जायसवाल ने क्या। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो सदन में आपने शराबबंदी को लेकर के तमाम आंकड़े भी रखे थे, क्या लगता है विनोद जायसवाल जी को कि शराबबंदी बिहार में खत्म होना चाहिए और शराब खुल जाना चाहिए? एकदम स्ट्रेट वे में जवाब दीजिए सर। एकदम खुलना चाहिए। इसका रेवेन्यू सोर्सेज मात्र 53,000 करोड़ है और ये गुजरात से कंपेयर करेंगे। गुजरात का मैंने जिक्र किया था कि यूपी का चाहिए, गुजरात का चाहिए, वेस्ट बंगाल का, उसका एक विभाग का राजस्व जितना कलेक्शन है उतना आपका पूरे स्टेट का कलेक्शन है। तो आप गरीब जनता को उससे क्या निगेटिव पार्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योजनाएं में फंड आती है उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि आज नहीं होने के कारण बिहार की सारी योजनाएं ठप है। तो मैं तो चाहता हूं कि जो 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का क्षति हो रहा है और उससे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि शराबबंदी खत्म करनी चाहिए? एकदम खत्म हो जानी चाहिए, राजस्व हित में, बिहार हित में खत्म हो जाना चाहिए। ये गरीब राज है, इतना बड़ा रेवेन्यू का झटका नहीं सह। अभी सर कुछ दिन पहले आप नीतीश कुमार के सरकार के साथ थे, तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं बिहार में एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र नीतीश जी का ही इच्छा है, चाहे BJP हो चाहे कोई भी दल हो, सब दिल से चाहता है कि शराबबंदी बिहार में फेल हो गई है। ये किसी भी मायने में सफल नहीं होगी, ये पुलिस प्रशासन और सारी सरकारी तंत्र को कमाने का एक जरिया हो गया है और हम रोक नहीं पाएंगे, इसलिए सरकार
जिद्दी सरकार है, अभी तक नहीं इसको विड्रॉ की है। मेरा पूर्ण निवेदन है कि इस पर पूर्ण विचार करके बिहार के हित में उचित निर्णय लिया जाए।